السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اپ یہ لیکچر قرانی کورس اور مسلم میمے سن على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقه قولی ہم نے جو پچھلی لیکچر میں بات کی सो तो तो बकर हम पढ़ चुके थे आयत नंबर दो सौ एक तक रब बने आयती ना फ़िर दुनिया हसनऊँ बनना इस दुआ में हमने पिछले लेक्चर का अख्ताम किया था है दुनिया की भी अच्छाई मांगी और आखिरत की भी अच्छाई मांगी और आखिरत में यानी वकील आजा बना के हिसाब से पना भी मांगी आगे बात है कल नसीब वल्ल सर साहब ये वो लोग हैं जिनके लिए उनके अमाल का हिस्सा है और अल्लाह तारा जल्द हिसाब लेने वाले हैं फी वह मादुदात फमन तफ़ी उमिनफिला इसमनता अख़रफलास्म आलई वक्तमल तो शरूम और अल्लाह तार की याद इनकी गिनती के चंद दिनों में अयामत शरीक में करो यानी यहाँ पे क्या मुराद है अमत तशरीक मुराद है जो हज के ग्यारह बारह तेरह से को कहा कहा जाता है यानी इन दिनों में क्या करना है ज़िक्र इलाही कसर से करना है वा, तकबीरात कहना मसनून है और क्या है यहाँ पर क्या बात हो रही है क्या दो दिन की जल्दी करने पर भी कोई गुनाह नहीं यानी क्या है अगर सिर्फ तुम दो दिन ग्यारह और बारह कोई कंकड़िया मार के वापस आ जाते हो तो फिर भी ठीक है और अगर तीन दिन एमीच इमारात करते हो तो तब भी ठीक है

और जब वो लौट के जाता है तो ज़मीन में फसाद फैलाने की खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है और अल्लाह तसाद को नापसंद करता है वजा कि लाज इज़रतमी ये जो हम पीछे बात हुई कि क्या है हज के बाद क्या है फिर वही मामला वही ज़िंदगी गुजारना वही ज़मीन में फसाद करने का सबब बनना नस्लों को तबाह करने की कोशिश करना तो ये क्या है यही मामला हज के बाद अच्छे नहीं लगते अल्लाह पसंद है ये फसाद करना ज़मीन पर तकिल्ला आखिर इज़्ज़त इसमें और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो तकबर और तस्ुब से गुनाह नाफ़ आमादा कर देता है इसलिए कि इसे जहन्नम ही है जाना है और यकीन वो बदतरीन जगह है यानी ऐसे लोग जो ज़मीन में फसाद का सब बनते हैं झगड़ों का सबर बनते हैं जब इन कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो क्या करते हैं तकबुर से तस्ब से और अपनी इज़्ज़त की बचाने के लिए क्या कहते हैं गुनाहों पर गुनाह करते चले जाते हैं इसलिए कि बस जहन्नुम ही इनके लिए बस जहन्नुम है लेकिन वो बत्तरीन जगह है जहन्नुम को बत्तरीन जगह कहा गया है वमिन नासिमैश नफ़सा मज़वातल वाद और बाद लोग वो भी हैं जो किल्ला ततमंदी की तरह में अपनी जान तक बेच डालते हैं तो पीछे क्या बात हो रही है कि जिन्हें कहा जाए कि जमीन में से फसाद ना करो झगड़ा ना करो बिला सबक तो क्या उनको अपनी इज्जत की पड़ी जाती है तकबुर करते हैं अल्लाह ताला के बात पर यानी मुंह मोड़ जाते हैं लेकिन कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी जाने तक कुर्बान कर डालते हैं कहा जाता है कि आए सब नोमी के बारे में नासिल हुई है जब वो हिजरत करने लगे तो काफिलों ने यह कहा ये माल यहाँ सब कमाया है तो इसे हम साथ महीने नहीं नहीं जाने देंगे हजरत सहैब रज़ी ने यह सारा माल इनके हवाले कर दिया और दीन साथ लेकर वसम की खिदमत में पेश हो गए तो क्या है कि उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी जान तक बेच डाली और अल्लाह ताला अपने बंदों पे बड़ी मेहरबानी करने वाला है या अय्यूल्लाजीन आमनूफाफा

अपने मामलात को इस्लाम कि तब करो इबादत को दीन की इबादत तक यानी मसाजिद तक में दूर करना दुरुस्त नहीं क्या इस्लाम तमाम के तमाम मामलात में चाहे सियासत हो चाहे दुनियावी रस्म व रवाज हो सकात हो रवायात हो उसमें सबसे बढ़ के क्या है इस्लाम को दाखिल किया जाए इस्लाम पर अमल किया जाए जैसे कि क्या है मामला हमारे क्या है रोज़मर्रा के जिस तरह किसी की पोती हो जाए तो वहाँ पर क्या करना है इस्लाम के मामला को फॉलो करना है ना कि अपने बनाए हुए रस्म रवाज को शादी का मौका है तो उसमें भी इस्लाम को फॉलो किया जाएगा ना कि हिंदुआना रस्म व रवाज को तो यहाँ क्या कह रहे वला वाला ओ तबातः शैतान यानी इस्लाम को छोड़ के कोई भी दूसरा तरीका तुमने अख्तियार किया दुनियावी मामलात में तो क्या है वो क्या है शैतान के कदमों की पहलू है तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है जब एक मतलब कलमा पढ़ लिया तो के मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जो बाउंड्रीज पे ना रहो इन्नाकम अदबीन अल्लाह कहते हैं कि क्या है शैतान क्या तुम्हारा खुला दुश्मन है दुनिया में हमें कोई पता चले कि कोई हमारे दुश्मन है तो क्या हम क्या, क्या, क्या कुछ करते हैं उसके लिए उससे बचने के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जाती हैं और जब अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है तो हम इसके से बचने के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं या कभी सोचा भी कि शैतान से बचने के लिए भी कोई तदवीर करनी है या शैतान को हराना है तुम्बा दिमा ज़कबीना तुफ़ आलम करबीर हकीिम अजीज़ुल हकीिम अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आ जाने के भी फिसल जाओ तो जान लोल्ला तारा गलबा वाला और हिगमत वाला है

उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो अगर उस दिन को देख के ईमान आना है तो उस दिन का इस्लाम काबिल कबूल नहीं है सल बनी इसराइल कम आयत आयतिन बनी इसराइल से पूछो कि हमने तुम्हें इस किस किस रोशन निशानी अता फरमाई क्या क्या उनके नबी को दिया गया हजरत मूसा को असा यदि बैसा मनो बादलों का साया बाया चश्मे समंदर से रास्ता बनाया जादूगरों को तोड़ दिया तो ये सब क्या है पैगम्बर की सदाक़त की दलील थी और यह शख़्स जो अल्लाह ताली की नियमतों को अपने पास पहुँच जाने के बाद बदल डाले और जान ले के अल्लाह ताली भी सख्त अजाबों से अज़ अजाब डालने वाला है यानी अल्लाह सख्त पकड़ करने वाला है इतनी नियमतें मिलने के बावजूद इतने मौजात देखने के बावजूद ना माने तो क्या है फिर अल्लाह ताली की भी पकड़ सख्त है जब तुम एराज बरतोगे जब तुम नौजरात देख के ना, ना मानोगे तो फिर अल्लाह ताला की भी पकड़ सख्त है और कैसे सख्त अज़ाब देने वाला है वाले जुनजीन का फ़ुरहयात दुनिया वरून आमन तक़्याम काफ़िले के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूब जींददार बना दी गई है वह ईमान वालों के लिए से हंसी मजाक करते हैं क्या बात हो रही है कि ये जो मौजात देखकर नहीं मान रहे इनकार कर रहे हैं अब इन इन इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने आजमाइश किया डाल दी कि दुनिया की ज़िंदगी को ही खूबसूरत बना दिया इतना खूबसूरत बना दिया कि दुनिया में ही में आगे बढ़ने की लालच करते हैं और ईमान वाले जो क्या इनसे ज़रा कम है किसी भी लिहाज से माली लिहाज से तो क्या वो ईमान वालों का हंसी मजाक उड़ाते हैं तो अल्लाह तै कहते हैं हालाँकि परहेजगार लोग क्यामत के लिए इनसे आला होंगे अल्लाह तिसे चाहता है बेहिसब रोज़ी देता है कि उस वक्त क्या है जो मुसलमान हुए थे वो अक्सर लोग अक्सरियत उनकी क़ुरबा पर मुश्तमिल थी और ये जो काफ़िर लोग थे इनके पास दुनियावी ज़िंदगी हर तरह की साहसी और सूरतें मौजूद थी तो ये क्या करते थे ये काफ़िर क्रैश मक्का वाले मजाक उड़ाते थे ईमान आने वालों का तो अल्लाह तौ कहते हैं कि हर दो में का शेवा रहा है मगर अल्लाह ताली जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है ये तुम्हारी सादगी का तुम्हारे फ़क्र का मजाक उड़ाते हैं मगर क़ियामत के दिन ये लोग फकर यही फकर अपने तकबा की बदौलत बदलबाला होंगे बेहिस रोज़ी से क्या मुद्दा है कि आखिरत के रावा दुनिया से भी यानी बे रोजी मुराद है तो बेहिस रोजी देते तो अल्लाह ताला इनको भी चाहे तो दुनिया में भी दे सकता है और इन्हीं लोगों के बारे में आता है कि क्या है ये पचास हज़ार साल पहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे क्यामत के दिन बाकी लोग जो नियमतों का अपने माल का हिसाब दे रहे होंगे तो क्या ये लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे कान नासमत वाहिद्न नबीन मबशरना ममजेना दरअसल लोग एक ही ग्रोह थे अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियाँ देने वाला डराने वाला बनाकर भेजा है इनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फ़रमाई ताकि लोगों को हर अख्तलाफी अमर का फैसला हो जाए सिर्फ इन ही लोगों ने जो इसे दिए गए अपने पास दलाई आ चुकने के बाद आपस के बुजोान अनाज की वजह से इख्तलाफ किया अल्लाह ताली क्या कहते हैं इनके पास दलाइल आ चुके थे ये जान चुके थे कि क्या हक़ है क्या बादल है लेकिन इस वजह से इनकार कर दिया अपने बोगस अपने दिल में इनकी नफरत नबी की नफ़रत की वजह से इन्होंने क्या है इनकार कर दिया अपनी ज़िद्द की वजह से इन्होंने, इन्होंने इनकार कर दिया इसलिए अल्लाह पाक ने ऐमान वालों के इस अफिलाह में भी हक की तरफ से अपनी मैशियत से रहबरी की है और अल्लाह जिसको चाहे जी राह की तरफ रहबरी करता है

कि अल्लाह की मदद कब आएगी सो रखो अल्लाह की मदद करीब ही है जब यह हिजरत मदीना के बाद जब मुसलमानों को यहूदियों मुनाफिकों मशीन रबों से किस्म की एसाई तकालीफ पहुँची तो मुसलमानों ने नबी से, से शिकायत की जिसमें मुसलमानों को तसली के लिए अल्लाह ने आयत नाजिल की और ख़ुद नबी ससम ने भी फरमाया तो उनसे पहले लोग इनके सर से लेकर पैरों तक आरे से चीरा गया और लोहे की कंगेशन के गोश्त पोश्त को नोश दिया गया लेकिन ये जुल्म नशद इनको इनके दीन से ना फिर सका फिर फरमाया अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इस मामले को मुकम्मल यानी इस्लाम को गालिब फ़रमाएगा यहाँ तक एक सवार शना से, से हजार मौत तक तनह सफ़र करेगा और इसे अल्लाह के सवार किसी का डर ना होगा तो क्या है मुसलमानों के अंदर हौसला और उसकामत पैदा करने के लिए अल्लाह तला ने यह आयात नाजिल की कि क्या है अभी से मुश्किलात से घबरा ना जाओ दीन से फिर ना जाओ ये बीमारियाँ ये मुसीबतें आएंगी तो तुम्हारे ईमान का जायजा लेने के लिए आएंगी और याद रखो कि पिछले जो ईमान लाने वाले थे उन पर इससे भी ज़्यादा मुश्किल आई यस अलून का माताफिकन क़ुलान फ़क्तुनखन भलीलवारी लेने वाली मलिया तमाम सबी आपसे पूछते हैं कि आप वो 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 ख़र्च करें आप कह दीजिए वो माल जो तुम खर्च करो माँ बाप के लिए है और रिश्तेदारों यतीमों मस्किनों और मुसाफिरों के लिए है और जो कुछ तुम भलाई करोगे अल्लाह करोगेल्ला इसका इल्म है यहाँ पे क्या बात हो रही है इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे नफली सदक़ात की बात हो रही है जकवात की बात नहीं हो रही क्योंकि अगर ज़क़़त होती तो उसमें माँ बाप का ज़िक्र ना आता क्योंकि माँ बाप को जकवात नहीं लगती यहाँ यह नफली सदक़ात की बात हो रही है और नफली सदकत देने हैं किसको है सबसे पहले खर्च आपके माल में किसका हिस्सा है माँ बाप का उनको दीजिए फिर रिश्तेदारों का करीबी रिश्तेदारों का यतीमों का मस्किनों का मुसाफिरों का और कहते हैं जो भी तुम नेकी करोगे अल्लाह ताला उसको जानने वाले हैं

नागंार लगे इसलिए कि इसके इंजाम और नतीजे से को सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं तुम नहीं जानते नहीं हो यानी हो सकता है कि इसी मामले में तुम्हारे लिए बेहतरी हो जैसे जिहाद के नतीजे में तुम्हें फतह मिले इज़्ज़त मिले सरगुलंदी मिले माल और असबाब मिले इसी तरह जिस चीज़ को तुम पसंद करो यानी जिहाद के बजाय घर बैठे रहने को तो इसका नतीजा तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है यानी दुश्मन तुम गालिब आ जाए और तुम्हें ज़िल्लत और रसोई का सामना कर ले तो यहाँ से क्या पता चलता है कि दुनिया में अक्सर जो चीज़ें जो हमें ज़्यादा महबूब होती हैं लेकिन उनमें हमारे लिए शर का सबब होता है तो अल्लाह ताला उन चीज़ों को हमसे दूर कर देते हैं या वो चीज़ें जो हमें जिसमें हमें करना मुश्किल का अगरा होता है या हमें शर्म मालूम हो रही होती है हमें हमें ना नफ, नफ्स पर भारी महसूस होती हैं लेकिन क्या अल्लाह ताला ने उसी में बहुत सी खैर रखी होती है तो जिहाद करना कोई मामूली काम नहीं था लेकिन जिहाद पर निकलना जान कुर्बान करना माल कुर्बान करना वक्त देना तो क्या है अलग ये चीज़ तुम्हें बुरी लग रही है लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ तुम्हें इज़्ज़त मिली तुम्हें फतेह मिली तुम्हारे तुम्हारेबा हासिल हुआ तुम्हें माल मिला यस अलून गली शहरामी के तालफी खुद के ताल फ़ी कबीर वसदबील लाकूफ़लबी बल मसाजिदरामी लोग आपसे उम्र वालम की लड़ाई की बाबत का सवाल करते हैं आप कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना गुनाह है लेकिन अल्लाह के रास्ते गुनाह के साथ के साथ अल्लाह के राह से रोकना इसके साथ कुफ़र करना और वजी से रोकना वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है कहा जाता है कि रजब जो है जो हुरमत वाले महीने हैं रजब रजबादर झलह मुहर्रम इन चार महीने जमाने जहलीत में भी और इस्लाम के बाद भी हुरमत वाले समझे गए जिसमें किताल और जिदाल यानी जंग करना और झगड़ा करना नापसंदीदा था इस्लाम ने भी इनकी हरमत को बरकरार रखा नबी अकम के ज़माने में एक मुसलमान फौजी दस्ता दस्ते के हाथों रजब के महीने में काफिर का कत्ल हो गया और बास काफिर कैदी बना लिए गए मुसलमानों को इसका एम नहीं था कि रजब शुरू हो चुका है कुफार ने मुसलमानों को ताना दिया कि देखो तो ये तो हरमत वाले महीनों की हरमत का भी ख्याल नहीं रखते हैं तो अल्लाह ताली कहते हैं कि ये जो तुम हमें कह रहे हो मुसलमानों को कह रहे हो कि तुमने गुरमत का ख्याल नहीं रखा तो तुमने तो उस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा कि तुमने दीन से मुफ्त हो गए हो और क्या है तुम इनको लड़ाई झगड़ों से रोकते नहीं हो और ये क्या फितने कत्ल से ज़्यादा बड़ा गुनाह है और ये जो तुम लड़ाई झगड़े कर रहे हो ये उससे ज़्यादा बड़ा गुना है कि कत्ल कतल से यह तो मुसलमानों से गलती से हो चुका है लेकिन तुम, तुम तुमने इसका मामला करे मस्जिद है? हैराम से रोक रहे हो ये फितने कत्ल से भी ज़्यादा क्या बड़ा फितना है फितना कत्ल से बड़ा फितना है अल्लाह तै कहते हैं फरमाते हैं कि क्या है ये वो लोग हैं जो मुर्तद हो जाएंगे अपने दीन से तो क्या है उनके लिए क्या सजाई है वो काफ़ी वो काफ़िल होंगे तो उनके सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे दुनिया और आखरत के जो दीन से मुर्तद हो जाता है दीन से फिर जाता है दीन को छोड़ देता है इस्लाम लाने के बाद इससे फिर जाता है तो अल्लाह ताली कहते हैं उसके लिए दुनिया और आखिरत में अमाल ज़ाया है और उनके लिए क्या है आग है और उसमें हमेशा रहेंगे तो ये क्या इससे पता चलता है तुम अपनी तो साजिशों से तुम्हें मर्तद बनाने की कोशिश बाज़ आने वाले नहीं है और ये है शहर हिराम की वजह से क्यों रोके गए हो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या है ये मर्तद होना तुम्हारे लिए आखिरत तो में भी नुकसान का जवाब बन जाएगा इनअल्ला दी आम वल्लैन हाज़िर हो जा सभी उर्जुन रहमत लाल्ला अलबत ईमान लाने वाले हिजरत करने वाले अल्लाह के राह में जिहाद करने वाले रहमत लाइक के उम्मीदवार हैं अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है कि जो ईमान लाए जो हिजरत करे अल्लाह के राह में जहाद करे तो वो उसके उस उस पर अल्लाह ताला की रहमतें हैं अल्लाह ताला बख्शने वाला है और मेहरबान है यस अलूलिन ख़बर वलमय शरीको भी हमेशर लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुना है और लोगों को इनसे दुनियावी फ़ायदा भी होता है लेकिन इनका गुना इसकी नफर से बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर बात हो रही है बड़ा गुना है दीन के अतबार से शराब और जुआ फ़ायदे तो हैं दुनिया के फ़ायदे हैं इसमें कि वक्ती तौर पर शराब पी के कहते हैं जिसमें चुस्ती आ जाना जहन तेज़ हो जाना जिनसे क़ुत में इजाफा हो जाना इसी तरह क्या है जुआ करके वक्ती तौपे ख़रीदो फरोख में नफ़ा हो हो जाना लेकिन ये फ़ायदे इसके नज़र तो आ रहे है दुनिया भी लेकिन इसमें नुकसान ज़्यादा है क्योंकि क्या है शराब पीने से इंसान की अकल ख़त्म हो जाती है और जब अल्लाह तौर ने इसको हराम करा दिया तो हमारे लिए यही तमहिद काफ़ी होनी चाहिए कि इसको अल्लाह तला ने नापसंद कर दिया है आपसे ये कह इनसे दरिया कीजिए कि क्या खर्च करेंगे आप कह दीजिए इस हाजत से ज़ायद चीज़ अल्लाह ताली इस तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान कर रहे हैं ताकि तुम समझ सको यानी वैस अलू माज़ा यूनफिकून वो पूछते थे कि हम क्या खर्च करें तो अल्लाह ताल ने, ने क्या क्या कि जो ज़रूरत से ज़्यादा है यानी जो तुम्हारी हाजात जो तुम्हारी जरूरिया ज़िंदगी को पूरा कर दे तुम मतम ज़िंदगी गुजारे हो तो उसके बाद जो तुम्हारे पास बच जाता है तो वो तुम खर्च कर दो फिर दुनिया वाली जता अमूर दीनी और दुनियावी दोनों को तुमसे यतीमों के बारे में सवाल किया जाएगा आप कह दीजिए कि इनकी खैर ख़्वाल कीजिए अल्लाह ताला इनके माल और अगर तुम इनका यानी यतीमों का माल अपने माल से मिला भी लो तो तुम्हारे भाई हैं बद नियत एक नीयत को अल्लाह खूब जानता है अगर अल्लाह चाहता है तो मैं मशक्कत में डाल देता लेकिन अल्लाह तलाबा पाने वाला हमत वाला है यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यतीमों के बाल खाने के बारे में हमारे से जब आयात नाजी हुई तो सहाक राम डर गए यतीमों की हर चीज़ को अलग कर दिया ताकि खाने पीने की चीज़ों को भी अलग कर दिया तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा मामला भी मत करो कि खाने पीने में भी अलग कर डालो क्योंकि इससे क्या है खुराक ज़ाया हो रही है इस डर से कहें तुम इस स्वेल से मुस्तक न पाओ तो क्या है इस तरह क्या, क्या करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी नीयतों तो को जान रहा है अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत के हिसाब से तुम नीयत की जाँच की तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा तो अपने आप को मशक्कत में मत डालो कि इस हद ते घर में रहते हुए तुम खाना पीना भी अलग कर दो अगर अल्लाह चाहते तो तुम्हें मशक्कत में डाल देते लेकिन गलबर वाला विकमत वाला है वाल क्यों मशरिक आती है यो अमीना वाला अमीना तन और शेयर करने वाली औरतों से तावकता वह ईमान ना लाए तुम निकाह ना करो ईमानदार और लुंडी भी शेयर करने वाली आज़ाद औरतों से बहुत बेहतर है मशरक औरतों से मुराद यहाँ पर बुतों की पुजारी औरतें हैं क्योंकि अहली किताब यहूदी ईसाई औरतों से निकाह की इजाज़त कुरान ने दी है अलबत् किसी मुसलमान औरत का निकाह किसी अहल किताब मर से नहीं हो सकता ताहम हज़रतरत ने मसलहतन अहल किताब की औरतों से निकाह को नापसंद किया है ठीक है हजरत अमर ने मसलहता यानी कि क्या नापसंद किया है लेकिन अल्लाह तुरन में जान दिया है कि अहली किताब औरतों से यानी यहूदी ईसाई की औरतों से निका जायज़ है मगर शिरक करने वाली बुतों की पुजारी औरतों से ईमान का निकाह जायज़ नहीं है मर्दों का भी मर्दों का भी और न शिरक करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक वो ईमान ना लाए ईमानदार गुलाम आजाद मुश्किल से बेहतर है वो मुशीक तुम्हें अच्छा लगे ये लोग जहनम की तरफ बुलाते हैं जन्नत की तरफ और अपनी वख्श की तरफ अपने हुक्म की तरफ बुलाते हैं वो अपनी आयात लोगों के लिए बयान कर रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करें यानी यहाँ पे बात हो रहा है कि औरतों से निकाह के वक्त तुमने दीन को नज़रअंदाज करना देना और महज हसन जमाल की बुनियाद में निकाह करना आखत की बर्बादी का सबब बन जाता है हदीस में आता है नबी साहब ने फरमाया चारजूह वजूहत की वजह से निकाह किया जाता है उनके माल हसब हस न हसन जमाल या दीन की वजह से हो तुम दीनदार औरतों का इंतख करो इस तरह आपने फरमाया ने एक औरत को दुनिया की सबसे बेहतरीन मत करार दिया है दुनिया की बेहतरीन फ़ायदा देने वाली चीज़ की है एक औरत है तो इसी वजह से क्या है मना कर दिया गया कि मशरक औरतों से निकाह करना वही नानी मही से कोल हुआ वो आपसे सवाल करते हैं इसके बारे में कह दीजिए वो गंदगी हालत है कि औरतों से अलग रहो जब तक वो पाक ना हो जाए इनके करीब ना जाओ जब वो पाक हो जाए तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें मेरी इजाज़त ही अल्लाह ताली तौबा कोगूल करने वाला और पाक रहने वाले को पसंद फरमाता है यहाँ पर क्या बात हो रही है किस क्या होता है कि औरत के आयाम माहवारी को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है बलुगौ के वक्त क्या है जो औरत को आयाम आते हैं माहवारी आती है, है खून आता है उसे हैज़ कहा जाता है इसमें क्या बात है कि गंदगी अलग तरह कहते हैं ये गंदगी है इस हालत में क्या है ये बीवी आपस में ताल्लुक कायम ना करें अलग हो जाए यानी शोर अपने यानी इस तरह अलग होना नहीं कि मुकम्मल तौर पर लेकिन क्या जमा न करना ताल्लुक़ कायम करना मना है बाकी तमाम खाना पीना बाकी मामला औरत कर सकती है और अल क्या कहते हैं युबुल तबाबीना तो यहब्बुल युब मुहिरीन अल्लाह ताली पसंद करते हैं तौबा कबूल करने वाले को पाक रहने वालों को निस्कुम हर्सोल्लु तुम हरसकूम तुम तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं तुम अपने खेती में जिस तरह चाहो आओ अपने नेक लिए नेक आमान आगे भेजो अल्लाह ताली से डरते रहा करो और जान रखो तुम इससे मिलने वाले हो और ईमान लाने वाले को खुशखबरी सुना दीजिए ईमान हुआ तब तक अपनी को इस तरह निशाना ना बनाओ कि भलाई और और लोगों दरमियान को छोड़ बैठो यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है उससे मैं ऐसी कस्में मत खाऊँ कि मैं फ़लां के साथ निकी नहीं, नहीं करूँगा या फ़लाँ से नहीं बोलूँगा फ़लाँ से सुलह नहीं करूँगा तो इस किस्म की कस्मों को क्या हदीस में खाया गया कि अगर खा ली है तो उन्हें तोड़ दिया जाए अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है लाख लाख के ईमान को बनाए आखिर गल्ला तो मैं तुम्हारे इन कस्मों पर ना पकड़ेगा जो तुम पुख्ता ना की हो हाँ इसकी पकड़ ज़रूर होगी तुम्हारे दिलों का फ़ेल हो अल्लाह ताली बख्शने वाला बुरदार है यानी जो गैर तौर पर कसमें खाई है आदतन खा रही यानी तो क्या उस पर तो गुना नहीं है लेकिन जो जान बूझ की आमदन नीयत के साथ खाई है उन वो गुना क्या गुनाह कबीरा हैं और किस मामले में किसी भी नजायज काम हराम काम के लिए कसम खा देने के मैं ये क्या काम किसी सूरत नहीं करूँगा अल्लाधी नहीं हुआ मैंने सारी तरफ़ और बताफ़िन जो लोग अपनी बीवी से ताल्क़ ना रखने की कसम खाएँ इनके लिए चार महीने की मदत है फिर अगर वो लौटें तो अल्लाह ताल बखने वाले महरान हैं मैं इन अजम्लिन अगर तलाक का कसरत कर लिया अरादा कर लिया तो अल्लाह ताल सुनने वाला और जानने वाला है क्या अगर तुमने ख़ाने तलाक का इरादा किया है तो अल्लाह तक बेहतर जानते हैं

चोर के घर में अपने आप को रोक के रखेगी टीन हैज तक ठीक है इस और इसे हिलाल लिखी जो क्या है उसके रहम में है अगर क्या है वो किस पैदा करने वाली है तो क्या है वो छुपाएगी नहीं और फिर क्या तरह कहते हैं क्यामत के दिन क्या है जिन्हें जिन औरतों को अल्लाह और क्यामत के दिन पर ईमान हो तो वो उनके खावंदों को इस चीज़ का हक़ है कि वो इस यानी इ्दत के दौरान दोबारा उनसे रजू कर सकते हैं और क्या है खामन भी रुझू इसलिए ऐसे करेगा कि वो इसलाह का मामला हो ना कि औरत को अजियत देने का मामला औरतों के भी वैसे ही हुकूक है जैसे इनके मर्दों पर छाई के साथ हाँ मर्दों को औरतों की औरत फत अल्लाह ताला तालिब है हमत वाला है अतलाक यानी क्या मर्दों को की फजीले यानी मर्द को तलाक देने का हक़ है अतलाक मरतान फैमिस को बीमार हो और तस्ली हो बसान ये तलाक़ के दो मरतबा हैं या फिर फिर या तो छाइर से रोकना या के साथ छोड़ देना तुम्हें हलाल नहीं तुमने इन्हें जो दिया है इसे कुछ ले लो हाँ ये और बात के तुम दोनों को अल्लाह की हद कायम ना रखे सकनी का खौफ होता तो हो है इसलिए अगर तुम डर होकर दोनों अल्लाह की हद कायम ना रख सकेंगे तो औरतें राय पाने के लिए कुछ देर डालें उन दोनों पर गुना नहीं ये अल्लाह की हदूद है खबरदार आगे ना बढ़ना और जो अल्लाह के हदूद से तजावज़ करते हैं वो ालम लोग हैं फिर अगर इसको तीसरी तलाक दे दे तो इसके लिए हलाल नहीं कि जब तक वो औरत इसकी सवाल दूसरी से निकाह ना करे फिर अगर वो तलाक़ दे दे तो इस दोनों को मेल जोल कर लेंगे और कोई गुना नहीं यानी क्या यहाँ पे बात हो रही है कि तीसरी तलाक होगी है और औरत कहीं और जगह पे शादी कर लेती है उधर क्या है उसका खावन फोत हो तो जाए या उस खावन से भी उसको तलाक हो जाए तो वो दोबारा पहले शोर से रजू कर, कर सकती है यानी दोबारा उससे निकाह कर सकती है इसमें कोई गुनाह नहीं अल्लाह की हदूद है जिनको कायम रख सके अल्लाह ताली की हदूद है जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है वे ज़्यादा तरफ तुम्न अब लगना जला हन्ना जब औरतों को तलाक़ दो तो अपनी इद्दत ख़त्म करने के लिए आएँ तो अब इन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ रुख्सत कर दो यानी क्या है अलग कर दो यानी क्या बात हो रही है कि और तो तलाक़ दे चुके हैं तुम दो मरतबा अब उनकी इद्दत ख़त्म होने वाली है तो अब क्या करना है तुमने मामला इन्हें अच्छी तरह बसा लो या फिर इनको अच्छी तरह भलाई के साथ रुख कर दो इन्हें तकलीफ पहुँचाने के गर्स से जुलों से ज्यादा के लिए ना रोको यानी अब तुम दोबारा इनको रोक रहे हो इस इसलिए से कि क्या है हम कुछ टाइम बाद फिर तलाक देंगे या करेंगे तो अल्लाह ताली कहते हैं ये मना है जो शख्स ऐसा करेगा इसने अपनी जान पर म किया तुम तो अल्लाह के काम को हंसी खेलना समझ बनाओ और अल्लाह का एहसान है तुम भाई याद करो जो किताब जो कुछ किताब किताबोकमत इसने नाजिल फ़रमाई है जिसे तुम्हें नसीहत कर रहा है इससे भी और अल्लाह ताल से डरते करो जान रखो अल्लाह हर चीज़ को जानता है वक्त बलना जला फ़ला तू हन्ना कहना जवाजा हन्ना और जब तुम, तुम अपनी औरतों को तलाक़ दो अपनी इद्दत पूरी कर ले तो इन्हें तो इन्हें इनके खामिलों से निकाह करने से ना रोको जबकि आपस में दोस्तों के मुताबिक रजामंद हो ये नसीहत इन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताली और के दिन में यकीन हो और इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकिस्तान अल्लाह तानते हैं तो तुम नहीं जानते यहाँ पर क्या बात हो रही है कि तलाक़ के बाद रजू का हक खावन को मौजूद है अगर वो इस टाइम के दौरान यानी तलाक़ रजी के दरमियान दो दो तलाकों के दरमियान खावन रजू करना चाहता है तो दुनिया और वाली कोई भी माशरा उसको रोकने के खावन को मना नहीं कर सकता रोक नहीं सकता कि रजू ना किया जाए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये नसीहत है जो अल्लाह ताला तला क्या के दिन पर मान आते हैं उनको तो इस चीज़ को मानना चाहिए कि तलाक़ रजी में यानी रजू करने का जो हक़ है मत यूज़ कर सकता है वल वाला तो युदया ना अवधा हो ना हावला कामिल माएँ अपनी दो साल कामिल दूध पिलाएं जिनका अराधा दूध तो पिलाने की मदद पूरी करने का हो और जिनके बच्चे इनके जिम्मे इनका रोटी कपड़ा हो और जो मुताबिक दस्तूर के हो हर शब्द इतनी ही तकलीफ़ दिया जाता है जितनी वो उस सख्त रखता है जितनी इसकी ताकत होती है तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर क्या है अलग हो गए हैं और क्या है मियाँ बीवी और क्या औलाद होती है तो औलाद का जो ख़र्चा है जो दूध पिलाना और क्या उसके कपड़ा रोटी है वो किसके ज़िम्मे हैं उसके बाप के ज़िम्मे है तो उसका बाप उसकी क्या है चीज़ पूरी करेगा और किस तरह ये जो जिसकी जितनी उसकी वसूत है अब ये नहीं है कि बाप इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और माँ उसके बच्चे की माँ तरह तरह की फरमाइशें और डिमांड्स करें माँ को इसके बच्चे की वैसे या बाप को इसकी औला की वैसे कोई ज़रा ना पहुँचाई जाए वारिस पर इसी जैसी जिम्मेदारी है फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी से बामी मशे से दूध छुड़वाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुना नहीं अगर तुम्हारा अपनी ओलाद को दूध पिलवाने का हो तो तुम पर कोई गुना नहीं जब तक कि तुम इनके दोस्तों के मुताबिक जो देना है इसके हवाले कर दो अल्लाह ताली तो से डरते रहो जानते रहो कि अल्लाह तुम्हारी मार को देख रहा है यानी अब तलाक हो गई है बच्चा है औरत या बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाह रही या मर्द उस औरत से दूध नहीं पिलवाना चाह रहा अपनी औलाद को तो क्या है रजा कहते हैं बाहर रजामंदी से फैसला कर लो और दूध छिड़वा के किसी और औरत से और बच्चे को दूध पिलाया जाए और क्या है उसकी उजरत दी जाएगी जब उस बच्चे को किसी औरत से दूध पिलाया जाएगा तो उसकी उजरत दी जाएगी बात वल नहीं न तो वफ़ून अमीन को मैं ज़रूर नजर आ जाए तो बस न तो मेरे से जो लोग फोत हो जाए वो बीबिया छोड़ जाएँ वो औरतें अपने आप को चार महीने और दस दिन इद्दत में रखें फिर जब मुद्दत खत्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ अपने लिए करें तो उस तुम्हारे लिए कोई गुना नहीं अल्लाह ताली तुम्हारे हर अमल से ख़बरदार है फीमा तुम नसरा में इसमें कोई हुना नहीं कि तुम अशाता कनायतन इन औरतों से नकाा की बाबत कहो या अपने दिल में पुशीदा अदा करो अल्लाह इल्म है तुम जरूर इनको यहाँ याद करोगे लेकिन तुम इनसे पुशीदा वादे ना लिया करो हाँ ये और बात है कि तुम भली बात मालूम भली बात बोला करो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जब औरतें अभी आयत इज्जत में हैं तो कोई भी शख्स कोई भी मतलब उनसे पुशीदा तौर पर निकाँ का वादा नहीं कर सकता और क्या क्या है कि हाँ उनको किया जा सकता है कि निकाह जब तक तो इ्दत ख़त्म ना हो जाए निकाह करना जायज़ है मगर इ्दत के दौरान निकाह का पेगा भेजना जायज़ नहीं है जान ताला तुम्हारे दिलों की बातों को भी इल्मता है तुम इसे खौफ खाते रहा करो ये जान रखो तख्शिश वाला और हिल वाला है ला जिला इन तलाकम तमसून अगर औरतों को तुम बगैर हाथ लगाए बग़ैर हक मह बग़र महल के मुकर किए तलाक़ दे दो तो तुम पर कोई गुना नहीं यानी यहाँ पे बात हो रही है कि निकाह हुआ रुखसती नहीं हुई और क्या महर भी मुकर नहीं था तो क्या तुम पे गुना नहीं कि तुम अगर औरत को तलाक दे रहे हो तो तुमने तो उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया खुशहाल अपने अंदाजे से और दंगदस अपनी ताकत के मुताबिक दस्तूर के मुताबिक अच्छा फ़ायदा दे दे रहे हो पढ़ाई करने के वालों पर ये लाजिम है यानी अब ख़ुद तुम अच्छे हो या हमारे अंदरत है तो तुम्हें कुछ ना कुछ उसको दे देना चाहिए इस मामले में भी इन तलाफ तुम्हुन न इनका तो तस्वू ना और तुम औरतों को इससे पहले से तलाक दे दो कि तुमने इन्हें हाथ लगाया हो और तुमने इनका महर मुकर किया हो तो महर मुकर्रा महर का आधा महर दे दो और ये और बात है कि खुद माफ़ कर दे या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह गिरा है तुम्हारा माफ़ कर देना तकवासी बहुत नज़दीक है आपस की फजीलत और बुजुर्गियों को फरामोश ना करो लेकिन अल्लाह ताली तुम्हारे आमार को देख रहा है यहाँ पर बात हो रही है कि निकाह हुआ है लेकिन खुशी नहीं हुई और क्या निकाह के टाइम में महर मुकर हुआ तो अब क्या फ़ायदा तो उसमत ने नहीं उठाया तो क्या अब वो आधा महरत आए देगा इस सूरत में हाफिज़लावसलातुल्हन नमाज़ों की हफाजत करो बिलखून दरमियान वाली नमाज़ की अल्लाह ताल के लिए बदब खड़े रहा करो कि है नमाज़ असर मुराद ली गई नबी संद के सलातुल किसी का आता था न असर की नमाज़ को जो उनकी सज़ा हुई थी फिलकुम फ़रा जान और फ़ैजा आमिन तो फसकुर अगर तुम्हें खो हो तो हो तो पैदल ही सत्य सवारी से हाँ जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र को जिस तरह इसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे यानी दुश्मन के खौफ के वक्त जब क्या तुम नमाज़ पढ़ने का हुक्म क्या है कि पैदल हो सवारी पे हो तो सवारी पे भी नमाज़ पढ़ने का हुक्म है खौफ़ की हालत ख़त्म हो जाते हैं फौरन ही नमाज़ पढ़ लो वल जिनत फोन अमिन को मैं ज़रूर अजवा दे वली बतानाज तुम्हें सपोर्ज़ हो जाए बीबिया छोड़ जाए वसीयत कर जाए इनकी बीएत साल भर तक फ़ायदा उठाएँ इन्हें कोई ना निकाले हाँ अगर वो ख़ुद निकल जाए तो इन पर कोई उड़ा नहीं अपने लिए अच्छा ऐसे करें अल्लाह ताला गालिब और हकीम है ये क्या है पहले का हुक्म है कि क्या है जब कोई बेवा हो जाती थी तो, तो साल भर तक वो अपने शोर की घर रहती थी लेकिन क्या अब यह उनके लिए आज़ादी के उनकी इद्दत मुकर कर दी गई चार महीने दस दिन जो कि बेवा हो जाए औरतें उसके बाद अब वो जो चाहें कर सकती हैं उनके लिए कोई गुना नहीं अगर वो दूसरा निकाह करना चाहें तो उन कोई गुना नहीं है वाले मुल्ल मतमूफ़ तलाक़ वालों को इसी तरह फ़ायदा देना और प्रेरकारों पर लाजिम है यह अगर तलाक़ दे दी है तो क्या है तुमने उसको फ़ायदा पहुँचाना है किसी तरह उसका हक मैं अदा किया जाए और क्या मतकीों के लिए लाजि है जारी का यूबई नकम आयातम तीस तरह अपनी आयात तुम पे नाजी करता है ताकि तुम समझो अलम तला ख़ारो जुमदिनदी आर महम हसनऊत या तुमने इन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के दर से अपने घरों से निकल खड़े हुए थे अल्लाह तरमाएँ मर जाओ मर जाओ फिर वो इन्हें जिंदा कर दिया गया बेशक अल्लाह ती लोगों पर बड़ा फसल करने वाला है लेकिन अक्सर लोग ना चुक हैं वक़ात लूफ़ी सभी सीमिन आलिम जहाद करो जान लो अल्लाह तुनताओ जानता है मंजल ऐसा भी कोई है जो अल्लाह तक अपने अच्छा कर्ज दे बस अल्लाह ताला इससे बड़ा बहुत बड़ा चिड़ा करता फरमाएगा अल्लाह ही तंगियों को खुशादगी करता है तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे यहाँ भी क्या बात हो रही है अल्लाह ताला को कर्ज देना कर्ज़े हंसना क्या है अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए माल खर्च करना जान की तरह माल की कुर्बानी देना भी क्या है कर्जे हंसना कहता है जिसकी खुशादगी वमी अल्लाह ताली के, के इख्तियार में है अल्लाह तौ दोनों तरीक़ों से आजमाते हैं अज जिसमें कमी करके भी कभी प्रवानी करके भी तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या है कर्जे हंसना दो मुझे कभी अल्लाह ताला कर क्या कर्ज़ हंसना क्या कहते हैं दो तो मैं इसको बढ़ा चढ़ा के कर वापस करूँगा यानी अल्लाह ताला की राह में दिया गया पैसा कभी भी ज़ाया नहीं है अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा चढ़ा के वापस कर देते हैं यानी कि क्या है या तो उसके उसी माल में बरकत इतनी डाल दी जाती है या फिर अल्लाह ताला तक उसको कम्पनसेट कर देते हैं किसी और तरीके से जहाँ से उसको नहीं है तो उसको वहाँ से पैसा मिल जाता है वहाँ से बरकत मिल जाती है और आखिरत में यकीन इसमें ज़्यादा हैरान कन है दो फायदे हैं कर्ज की दुनिया में भी इजाफा और आखिरत में भी फ़ायदा अलम तलामी इसराइल बाद मूसा इस इसकाबीलिकभ क्या हज़र मूसा के, के बाद वाली वनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पेकम्बल किसी को हमारे बादशाह बना दीजिए ताकि हमल्ला ताली की राह में जहाद करें फिर अम्बर ने कहा मुमकिन है जहाज फर्ज की हो जाने के बाद तुम जहाद ना करो उन्होंने कहा भला हमल्ला के रहा में जहाद क्यों ना करेंगे हम अपने घरों से जाड़े गए और बच्चों से दूर कर दिए गए फिर जब इन पर जहाज फर्ज हुआ तो वाई तो थोड़े से लोग ये सब फिर गए अल्लाह ताली तालमु को खूब जानता है क्या यहाँ पर क्या बात होती है नबी सर से मौजूदगी में बादशाह मुक करने का मतालबा यानी बादशाह जायज़ नहीं होती है इससे क्या पता चलता है बादशाह जायज़ नहीं होती इससे पता चल रहा है कि नबी ससम के ज़माने की बात नहीं हो रही क्योंकि नबी ससम के दौर में बादशाह नहीं थी बल्कि क्या है ये तालुद के बादशाह की जिक्र हो रहा है जिसके क्या क्या उसको क्या है क्या गया क्या था कि उस ऐसे बादशाह मुकर किया जाए कि जो अहकाम इलाही का पबंद हो इंसाफ करने वाला हो हालांकि नबी ससम तो इससे पहले ही के अंदर ये तमाम खूबियाँ मौजूद थी तो यह क्या है पहले की दौर की बात हो रही है नबी ससम के दौर की बात नहीं हो रही है मकौल नबी ओमरिका उन्हें इनके नबी ने फरमाया कि बादशाह बना दिया तो कहने लगे भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है इससे तो पहले बहुत ज़्यादा हकदार बादशाह के हम हैं इसको तुम्हालिकादगी भी नहीं दी गई नबी ने फमाया नबी ने फरमाया सुनो अल्लाह तौल ने इसको तुम जिदा किया है इसे और जस्मानी बरतरीबी तार में फरमाई है बात यह कि अल्लाह जिससे चाहता है अपने मुल्क दे देता है और अल्लाह ताली खुशगी वाला और इलम वाला है जब बादशाह मुकर किया गया तो वो क्या है इन्होंने एतराज़ किया कि ये क्या है हमसे तो कम है माली लिहाज से तो ये इतना अच्छा नहीं है तो इसको क्यों बना दिया गया क्योंकि हज़ार तालुक जो थे उनकी नस्ल से नहीं थे बनी सलाइस की नस्ल से नहीं थे तो उनका इतराज़ था कि एक तो ये क्या गरीब भी है पैसा भी नहीं है उसके पास वो क्या ये हमारे ये हमारे कैसे बादशाह बन सकता है तो अलग सा कहते हैं कि बादशाह बनने के लिए इन क्वालिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती बल्कि मतलब किस क्वालिटी की ज़रूरत होती है और जिसमानी ताकत की इनकी ताकत और जस्मानी ताकत की और ये दोनों इस चीज़ के इसके पास मौजूद हैं मकौम नबीम इन आए तो मुल्क यहाँ आती है कबूत हुन इनके नबी ने, ने फिर कहा कि इसके बादशाह की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे तुम्हारी की तरफ से जमी और आर मूसा आल हारून का बकिया तिरका है फिर इससे उठा कर लाएँगे लेकिन तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान लाने वालों में से हो यानी क्या है कि यहाँ पर बात हो रही है ये जो बादशाह है ये जो संदूक जो संदूक क्या था कि यह ता, ताबूत था जिसमें क्या है कहाज बनी के तब्क़ा तो मौजूद थे तब्लक़ात तो थे जो दुश्मनी से छीन के लिए गए थे अल्लाह कहते हैं कि जब तुम जंग करने जाओगे ये हुक्म जो तुम्हें मिल रहा है तो क्या इसके बदले तुम्हें अल्लाह वो तबारक वापस लौटा देंगे जो तुम्हारे नबियों के हैं कलम म फसल तालु तबिल जनूदी कॉले मुफतल बिलना है जब राता लश्कर को लेकर निकले तो कहा सुनो अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से अजमाने वाला है जिसने इसमें से पानी पिया वो मेरा नहीं हो जो उसने इसे ना चखे वो मेरा है हाँ ये और बात की अपने हाथ से एक चुनू भर ले। लेकिन सुबह चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया तालु ममिन सब सब जब नहर से गुजरने लगे तो लोग कहने के आज हमें तो ताकत नहीं है कि जालू उसके लश्करों से लड़े लेकिन अल्लाह ताला के मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा वक्त छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और जमातों में अल्लाह के हुक्म से खाली आ जाती हैं अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है तो जब क्या है यहाँ पर बात हो रही है कि कि जब अमीर था जो बादशाह मुकर किया गया था उस ग्रोह का कि जो जंग के लिए जाएगा दुश्मनों की तो उन्होंने उनको क्या नसीहत की कि, कि क्या है तुमने पानी नहीं पीना और बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी है तुम्हें आज़माया जा रहा है इस पानी के ज़रिए लेकिन क्या बहुत कम लोग इस चीज़ पर कायम रहे अक्सर यहनी पानी पी लिया और क्या इनके अंदर डर क्या था कि क्या उसका लश्कर तो इतना बड़ा है और हम कम है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस चीज़ की फ़िक्र ना करो बाजू का तो अल्लाह ताली की मदद इतनी ज़्यादा आ जाती है कि क्या छोटे से छोटा लश्कर बड़ी बड़ी जमातों में गालिब आ जाता है और अल्लाह ताला क्या है सब्र करने वालों के साथ है वलम्मा सब्र कौमिल वलमसौर जब इनको जालू तो इसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी सबर दे और कौन को फागर हमारी मदद फर्मा क्यों अच्छा अल्लाह के कम से उन्होंने जालू की खुशकश दे दी और दाऊ स के हाथों जालू का कतल हो गया अल्लाह ताली ने दाऊद सामाकत और, और जितना कुछ चाह भी फ़रमाया अगर बाद लोगों को बात से दफ़ा ना करता तो ज़मीन में फसद फैल जाता लेकिन अल्लाह तुनिया वाले को बड़ा फसलों करने वाला है यहाँ से क्या पता चलता कि हज़र दाऊद उस लश्कर का हिस्सा थे लेकिन अभी व बादशाह नहीं बने थे ना ही उनको नबोत मिली थी तिलक तिलक आयात लखिलसलील इन्नकल, त आयात है जिन्हें हम हकानियत के साथ आप पढ़ते हैं मिलियक़ी आप रसूलों में से हैं मिलियन के हैं ये एक गुजत वाक़ जो नबी ससम पे नाजिल नाजिलकदा किताब के जरिए बताए जा रहे हैं ताकि दुनिया को मालूम हो कि नबी ससम की साल सदाकत दुरुस्त है कि नबी ससम उस ज़माने में मौजूद नहीं थे लेकिन उस ज़माने के किससे पिछली अम्बिया की किसे, किसे कहानियाँ सब इस किताब में पढ़ी जा सकती हैं और ये इस चीज़ की दलील है कि नबी सलम सच्चे नबी हैं ये उनको गैब से ख़बरें मिल रही हैं और ये खबरें कि गैब से मिल रही हैं उनको तिलकर मोलाबाद ये रसूल है जिनमें से हमने बाद फिले दी है इनमें से बास व हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की और बास के दर्जे बुलंद किए हमने ईसा अपने मरियम को मोचाता फ़रमाए और रोहद की तायर की अगर अल्लाह तहता है तो इसके बाद आने वाली अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हर आपस में लड़ाई बड़ाई न करते लेकिन इन लोगों ने इख्त किया इनमें से बात तो मुमिन हुए बास काफिर और अगर अल्लाह ताहता है तो ये आपस में ना लड़ते लेकिन अल्लाह तीन जो चाहता है करता है एमान वालों याबली आती है ओमिलाईम फीवला शिफातौलम एमान वालों जो तुमने हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से ख़र्च करो इससे पहले कि वो तो दिन आ जाए जिसमें ना तजारत फ़ायदा देगी ना दोस्ती ना शफात और काफ़ी झालम है यानी क्या बात की जा रही की जा रही है कि दुनिया में ही ख़र्च करके अपने लिए आखिर बना लो ये क्या है हदीस से आती है कि आँख से बचो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो तो जो आज हम ख़र्च करेंगे वो कल हमारे लिए बख्शिश का सामान पैदा करेगा शफात का सामान पैदा करेगा लेकिन क्या आज का ना ख़र्च करना, करना तो तुम्हारे लिए नोके रखना क्या ना ही तुम्हारी लिए तजारत दुनिया के लिए तुम लगा रहे हो ना ये दोस्तियाँ ना ये सिफारिशें दुनिया की सिफारिशें तुम्हारे आखिर में काम आने वाली है अगली है, आयत है आयतुल आयतलकुर्सी जिसके आयत है आयतुल कुर्सी करस्सी अल्लाम कुरान की सबसे अजीम आयत है इसके हवाले से मतदी आयात और हदीस हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि क्या जिससे इसकी फजीलत पता चलती है इनकी फजीलत क्या है कि एक हदीस में आता है कि ये कुरान की अज़ीम तरीन आयत है एक हदीस मजीद मम्मी बताती है कि जिसको पढ़ के जो है वो शान से महफूज रहता है तो क्या है कि एक अजीम आयत है तो इस अजीम आयत को देखते जानते हैं इसके अंदर है अल्लाह ताली अपना तारुफ करवा रहे हैं अल्लाह अल्लाकम अल्ला, ला अल्ला ऐसी ज़ात है वबुद बरह है जिसके सवा कोई माबूद नहीं है जो ज़िंदा है सबको थामने वाला है ना जिससे ऊँग आती है ना ही नींद आती है उसकी मलकियत में ज़मीन व आसमान है नोम ना, ना ही नींद ना ही ऊँग लहू मा फ़िल समलत मा जो उसके लिए ज़मीन व आसमान में सब कुछ उसका है उसकी बादशाहत है मन मंजलती यशमा वो कौन है जो उससे सिफारिश करेगा जो इजाज़त लेगा मगर अल्लाह की तैयार के इज़न से ये आलम वो जानता है माँ भई जो तुम्हारे आगे माँ खल्फा जो तुम्हारे पीछे वाला और यही तो ना नहीं हो वहाँ नहीं वो अहात करता किसी चीज़ का मगर अपनी इल्म की बिना पे इल्ला मगर साथ बीमा जिसके साथ वो चाहता है वसी और कुर्सी हो उसकी कुर्सी वसी है कुर्सी से मुराद क्या है यहाँ पे कुदरत और अजमत है अल्लाह तारि की बादशाहत मुराद है कुर्सी से तो वो क्या है उसकी वसी रसीक उसकी बादशाह वसी है ज़मीन आसमान पर फैली है वाला ये उर्दू हुआ और ये क्या है इस चीज़ों की हिफाजत इतनी बड़ी कायनात की हिफाजत तो उसको ठिकाती नहीं है बहूल अलीम और वो क्या है बहुत बड़ा है बहुत बुलंद है लाक्रफुद्दीन दीन दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं है दायरे जल से रोशन हो चुकी है फिर जो शख्स अल्लाह ताली पे ईमान लाएगा तो तो क्या उसने अपनी रस्सी को मजबूती से थाम लिया है और दूसरे बाबूतों तो का इनकार गए तो अल्लाह ताला ने इसको एक मज़बूत कड़े में थाम लिया है और कभी नहीं टूटेगा ये कड़क है कभी नहीं टूटेगा अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है अल्लाह उलिया नान जुनुअन इमान सा ख़ुद है इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके आता है वो लिए अलिया शैतान है यानी उनके दोस्त शैतान शैतान है और इन्हें रोशनी से निकाल के अंधेरों की तरफ ले जाता है ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा इसमें पड़े रहेंगे अलम अल्मिली हाज इब्राहिम अभी रबी ही क्या तुमने देखा नहीं कि जो सल्तनत पाक इब्राहिम सलाम के से इसके रब के बारे में झगड़ा कर रहा था जब इब्राहिम सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो 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 है जो, जो जो जलाता है वो मारता है वो कहने लगा मैं भी जलाता हूँ मारता हूँ इब्राहिम सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशीद की तरफ लेके आता है तो इसे मग़रब की तरफ से ले आ अब वो 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 काफ़ी भूझका रह गया हैरान हो गया कि अल्लाह ताली ने गालमों को हिदायत नहीं देता और कलत ही मर करियत तो वही ख़ाविया तो या इस शख्स की मानेंगे हो जिसका गुजर इस बस्ती पर हुआ हो जो छत के बल उंदी गिरी पड़ी थी वो कहने लगा इसकी मौत के बाद ते तो किस तरह जिंदा करेंगे तो अल्लाह ताली ने इसे मार दिया सौ साल के लिए फिर इसे उठाया पूछा कितनी मदद गुजरी तुम छुपे कहने लगा एक दिन ये, दिन का कुछ हिस्सा फरमाया बल्कि तो सौ साल तक रहा फिर जब अपने खाने पीने का सामान की तरफ देखा तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था वो अपने गले को देखा तो बिल्कुल उसकी क्या है हड्डियाँ निकल आई थी इसमें गोश्त चढ़ाते हैं जब ये सब जाहिर करते तो लग कहने लगे अल्लाह ताला हर चीज़ पे क़ादर है वह इस इब्राहिम कॉलेब्राहिम रबी अली ने कहा और जब इब्राहिम ने कहा है मेरे बर्दगा मुझे दिखा तो वो तो किस तरह जिंदा करता है बारी ताली ने फरमाया कहा तुम्हें ईमान नहीं है जवाब दिया ईमान तो है लेकिन मेरे दिल में तस्किन हो जाएँ फरमाया चारंदे ले इसके टुकड़े का फिर मेरे घर के एक एक टुकड़ा रख दे फिर तो पुकार फिर तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे और जानों को अल्लाह ताली गालिब और हमत वाला है और जो लोग अपने माल अल्लाह ताला के राम में खर्च करते हैं इसकी मिसाल इस दानी जैसी है जिसमें सासू बालियाँ हैं और हर है बाली में सो दाने हूँ अल्लाह ताली जिसे चाहे बड़ा चुड़ा कर इन देता है अल्लाह ताली खुशादगी वाला है और इल वाला है यहाँ पर क्या बात हो रही है कि क्या अल्लाह के राह में खर्च करने की बात हो रही है कि जो जितना खर्च करते हैं अल्लाह ताल उसको इतना ही बढ़ा के देता है और ये नीयत पर मबनी है कि जितनी अच्छी नीयत ख़ालिस्त नीयत होती है अल्लाह तला उतने ही अच्छे से लौटा देते हैं ओके यानी एक दाना खर्च करने पर सात सौ का रिटर्न ये कोई बैंक आज ऑफर नहीं करता कोई भी बैंक जो कहते हैं हम तरह तरह के फ़ायदे देते हैं मुनाफा देते हैं लेकिन अल्लाह ताली जैसा मुनाफा कोई भी नहीं दे सकता एक के बदले सात सौ इफाक फ़िर सबी के उभारा जा रहा है ठीक है मालम फ़िर सबींद जो लोग अपने माल में खर्च करते हैं फिर इसके बाद ना तो एहसान है जताते हैं ना ही है तकलीफ़ देते हैं इनका अजर इनके रब के पास है इन पर ना खौफों का ना ही वो उदास उदास होंगे कौलम आरूफा खैरुम सदन आज नरम बात कहना माफ़ कर देना सदक़े से बेहतर जिसके पीछे तकलीफ हो अल्ला बेनियाज और बदबार हैं यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि सद ख़र्च कर रहे हो अल्लाह ताला कहने पर रिश्तेदारों पे अपने वालदे पे और उसकी नौकरी पे ख़र्च कर रहे हो मगर क्या इसके बाद तुमने एहसान जताया या किसी तरह की तकलीफ थी इन लोगों को तुम्हारा जैसे ज़या हो जाएगा तो क्योंकि नरम बात कहे हम आफ कर दें अब उनके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि हम आपका खर्च उठा लें तो क्या आप हमारी हर जायज़ ना बात को मानें तो अल्लाह कहते हैं कि इस नरम बात कह दो अगर तुम्हारे अंदर इतना वो नहीं है ज़रूरत नहीं है कि क्या है तुम एहसान से बच सको तो फिर क्या तुम उनको सिर्फ नरम बात कह कह दो और तकलीफ़ ना दो उनको अल्लाह ताली बेनियाज़ बुरबान है या ही लिता मिलमन नहीं वालेगा ऐमान वाले अपने ख्याल को एहसान जताओ ऐसा पहुँचा कर बर्बाद ना करो जिस तरह वो शख्स व अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करें और तैमान रखें ना क्या पे यहाँ पर बात हो रही है कि जिसकी एक शख्स है जो क्या है माल किस लिए खर्च करता है लोगों के खर्च किस लिए करें दिखावे के लिए ताकि लोग उसकी वाह करें तो अल्लाह ताली कहते हैं क्यामत के दिन इसके तो ये वो शख्स है जो क्या के दिन पैमा नहीं रखता हैं उसको नहीं पता कि क्या है। इसका रिटर्न क्यामत के दिन मिलेगा तो इसकी मिसाल कैसी है एक साफ पत्थर है जिसमें थोड़ी सी मटेरियल पे इस पर दाल में बसा हो पे इसे बिल्कुल साफ और चटेल कर गया इन लिया कारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती और अल्लाह तौर कौन को सीधी राह नहीं दिखाता मोमा सल्जी फू आम वालों में लोगों की मिसाल जो अपने मान लगाता है कि राह की रामाबंदी और तलम दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं खर्च करते हैं इस बाग जैसी है जो उन चीज़ ज़मीन पर जो होता है बारिश इस पर बरसे अपना फल दुगना ला दे और अगर इस पर बारिश ना बरसे तो फवार ही काफ़ी है अल्लाह ताली तो तुम्हारे कामों को देख रहा है दो मिसालों से बाजी कर दिया गया कि कह जो एहसान करते हैं उन एहसान करके निकी की और अहसान करके इसको ज़ाया कर दिया और एक वो लोग हैं जो कहे निकी करते हैं मगर क्या है उसको दिल की खुशी के साथ करते हैं एहसान नहीं जताते तो क्या उनको उससे डबल अजर मिलता है अरे वाल आते नकली तजुर्बा कहते हाँ अल्लाह तो फिर समझाना चाह रहे हैं कि क्या है ऐसे लोग जो क्या खर्च कर रहे हैं तो और उनकी नीयत दुरुस्त नहीं है तो क्या मामला है उसकी मिसाल कैसी है कहते तो हैं तुम इसको को ये चाहते हो जो रंग गुरु का बाग हो जिसमें नहरे बहरी हों हर किस्म के फल मौजूद हो शख़्स का बुढ़ापा आ गया उसके नन्हे मुन्ने बच्चे हों और अचानक बाग को बगोला आ का बगोला लग जाए और वो बस वो बास जल जाए इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आए थे बयान करते ताकि तुम गौर व फिक्र करो या हीजी नाम फ़िकत है मत तुम आखिर ऐमान वालों अपनी बाकी कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से जो खर्च करो इनसे बुरी चीज़ों की खर्च करने का कसर ना करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो हाँ अगर आम बंद कर लो और जानो अल्लाह तेप्रवाह खूब वाला है यानी क्या बात हो रही है कि जब खर्च करे तो उसमें फिर भी बेहतरीन खर्च करो नुस वाला या बुरी चीज़ को खर्च मत करो अल्लाह ताला के राम में बुरी चीज़ मत दो जो तुम चाहते हो जो तुम्हें मिले तो क्या अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई फटे पुराने कपड़े दें नहीं चाहते हरगिज नहीं चाहते तो क्या अल्लाह ताला कहते हैं उन दूसरों को भी रुपये वो खर्च करो जो तुम खुद लेना चाहते हो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो अल्लाह ताला के लिए खर्च करने का मतलब ये नहीं कि पूरा पुराना घिसा पिटा और क्या है यूजलेशस चीज़ें हमल्ला तार के राम में दे दें अशिया अशान आएत फकर भी आई और अभी ये जो अल्लाह ताला के राह में खर्च करने का हुक्म आया तो क्या अल्लाह ताला कहते हैं यतान तुम्हें फ़कीरी से तुम कहते यानी अब क्या है उनके दिलों में मसोसा वस डाले क्या कि अभी तुम खर्च करोगे तुम्हारे को तो खुद जरूरत है तुम्हारे पास खुद पैसे कम हो जाएंगे और अभी क्या शतानू दूसरे क्या काम कहते हैं बेहि का हुक्म देते हैं अल्लाह तैयार तुम अपनी बख्शिश और फजल का हादत करते हैं अल्लाह तौर वस्तौ वाला है

उसे ख्याल कृषि में मिल गई और इसे नसीहत लमंद ही पकड़ते हैं इस चीज़ से वहाँ अनफम नफरी और नजर तो मिल नजर और तुम जो कुछ खर्च करो यानी खैर तो जो कुछ नजर मानो इसे अल्लाह तला बखूबी जानते हो जान को कोई मददगार नहीं है इन तब तो तुम सफ़ानी इमा ही हुआ इन तो खूब अगर तुम सद के खैर को जाहिर कर दो तो वो वो भी अच्छा है अगर तुम इसे पोसीदा मुस्किनों को दे दो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है अल्लाह तुम्हारे गुनाह को मिटा देगा अल्लाह तुम तुम्हारे अमाल की खबर रखने वाला है यहाँ पर क्या बात हो रही है बात हो रही है कि क्या है कि खुफिया तौप तो सदक़ा करना ज़्यादा अफजल है नबी ने फरमाया जिन लोगों को के साया नसीब होगा इनमें से एक वो शख्स भी होगा जिसने इतने खुफिया तरीके से सदका किया होगा कि इसके बाएँ हाथ को भी यही नहीं पता चलेगा कि इसके दाएँ हाथ ने क्या खर्च किया है यानी क्या है जब नफली सदकार दे रहे होते हैं तो क्या है जो हम यानी जायद ज़रूरत जो हम स्क़ात के अलावा जो सदकार देते हैं उसको हम जितना छुपा के दे सकते हैं उतना ही दिया जाए ठीक है हमारे लिए अजर का बाईस मनता है लेकिन जो फर्ज सदक़ात है जिस तरह की जकात आ जाती है सदका फितर आ जाते हैं तो उसको दिखा के दिया जा सकता है ताकि क्या है लोगों को भी नसीहत पकड़ें कि हमें भी खर्च करना है लहीसमिन हदायत पर लाख खड़ा कर देता था इसमें नहीं बल्कि हदायत अल्लाह तता है जिसे चाहता है तुम जो जो भरी चीज़ अल्लाह के रहा में दोगे इसको फ़ायदा खुद पहुँचेगा तुम सिर्फ अल्लाह तमामी के तलब के लिए खर्च करो जो कुछ तुम मार खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया हक ना जाएगा तुम्हारा हक़ न माना जाएगा सदकार के मुस्क वो वरबा है जो अल्लाह के नाम में रोक दिए गए हैं फकरफ़ी सभी सदकार के मुस्क कौन है गरीब लोग जो कि मुल्क में चल फिर नहीं सकते नादान लोग हैं इनकी बेसंवाली को वैसे मालदा ख्याल करते हैं आप इनके चेहरे देखें कि आफा से पहचान लेंगे वन लोगों चिटिम के सवाल नहीं करते जो तुम कुछ खर्च करते होल्ल तब को जानने वाले हैं यहाँ पे बात हो रही कि फकर्रो कुछ लोग यानी कि फकर वर्बत के बावजूद क्या है लोगों से सवाल नहीं करते मांगते नहीं हैं खुद आगे बढ़ के तो अल्लाह तैयार क्या कहते हैं ऐसे लोगों का भी लिहाज रखो जो नबी ससम फरमाते हैं हदीस बताते हैं कि मस्किन वो नहीं जो एक या दो खजूर या एक दो लफ के लिए दर्दर दर जा जाकर सवाल करें मस्किन तो वो है जो सवाल से बचते हैं फिर नबी ससम ने आयत तिलावत की अल्लाह से इसलिए कि वो पेशा वर्क गदागरों के बजाय महाजरीन दिन के तलबा के लिए खर्च करने वाला होता है वो ऐसे लोग के लिए जो अपनी इज्जत नफ़्स बचाने के लिए नहीं मांगते सवाल तराश नहीं करते ऐसे लोगों पर खर्च करने की बात की जा रही है कि इनको पहचानो इनके ऊपर खर्च करो जो क्या है पेशा वाराना गदागर हैं उनसे इज्तना उन पर ख़र्च किया जाए अल्लाह तला के नाम पर जो मांगे उनको देना चाहिए मगर क्या ज़रूरिया जिंदगी के लिए इन लोगों को प्रेफर करो कि जो अपनी ज़रूरिया ज़िंदगी खुद पूरा नहीं कर सकते वो दिन के काम कर रहे हैं ठीक है अल्ला दिन ने फून मालूम लरे सेन और जो लोग अपने मालों को रात और दिन छुपे खुले खुले हर्ष होते इनके लिए इनके रब की तरफ से पास अजर है ना इन्हें खौफ़ है ना ही गमगीन होंगे दिन ने रहा या फुनाजी सूद खोल लोग ना खड़े होंगे मगर इस तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिससे शैतान छूकर खपती बना दे ये इसलिए ये कहा गया कि तजारत में तो सूद ही की तरह होते हैं अलग अल्लाह ताली ने तजार को हलाल करा दिया और सूद को हराम करा दिया है यह शख्स अपने पास आई हुए अल्लाह की सुन कर रुक गया इसके लिए वो है जो गुज़रा और इसका मामला अल्लाह तला की तरफ है और जो दोबारा हराम की तरफ लौटाएगा लोटा लौटा वो जहनमी ऐसे लोग हमेशा इसी में रहेंगे यानी क्या बात की जा रही है सूद खो कि यानी सूद को मना किया जा रहा है कि क्या सूद इतना बड़ा गुना के जिस तरह से सूद खा के इंसान ऐसा हो जाता है जिस तरह से काम का खपरी बना दें यह दुनिया के फ़ायदे के पीछे भागा चला जा रहा है दुनिया के मामूली फ़ायदों के लिए और दलील क्या देते हैं कि ये तजारत की तरह ही है तजारत में भी तो नफा होता ही है तो अल्लाह तहत हैं कि मैंने तजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया दिया है तो आ, अकल वाले इससे अकल पकड़िए और अगर जिसने आयात आने के बावजूद अल्लाह ताला के हुक्म आने के बावजूद इस तरह का मामला किया कि दोबारा तो इस चीज़ को पकड़ा यानी रसूल का लेन देन नहीं छोड़ा अल्लाह तबुन नान हम फिहा उसमें जन्म में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे यम यम यमहकुल्लबा यमकुल्लबाबू सदाकाल तलासूल को मिटाता है को भराता है और तो किसी ना शुक्र गुलाका से मोहब्बत नहीं करता है इन इनत वाला वातः बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं न मास्क कायम करते हैं ना हैं, के, ताला के पास मौजूद हैं ना कोई खौफ़ होगा ना ही उदासी होगी ना कोई गम होगा ऐमान वाले तरो जो बाकी रह गया वो छोड़ दो अगर तुम सच ईमान वाले हो यानी अब ये आयात जो पढ़ ली आपने सुन ली में और आपके कानों से गुजर चुके तो क्या है अब क्या है हम जो अगर ये काम करें हमें से कोई भी मैं या आप कोई भी शख्स वो इस तरह की बात उसको इल्म नहीं था वो उसने ये काम कर लिया तो अब क्या उनको मानने के बाद बात उसको रुक जाना चाहिए अब ये नहीं कि नहीं नहीं अभी तो हम कर चुके हैं अब तो हमने इतनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं नहीं अगर क्या हम ईमान वाले हैं तो हमें उसी टाइम अल्लाह तुम कमाने पर रुक जाना चाहिए पर इम तो ऐसे नहीं करते तो अल्लाह ताला उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ यानी कि सूद को ना छोड़ना ऐसे है जैसे अल्लाह ताला उसके रसूल से जंग करना तो अल्लाह ताला से कौन जंग करके जीत सका है आज तक हाँ अगर तोबा करो तो तुम्हारा, असल माल तुम्हारा ही है ना तुम झुम करो और तुम पर झुन किया जाएगा अगर कोई तंगी वाला इसे आसानी तक मोहरत दे दे और सतरा करो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम तुम्हारे लिए यही बेहतर है अगर तुम इन में हो तो व तबू यौमन तुर याउन और इस दिन से लड़ो जिस दिन में तुम सब अल्लाह ताली की तरफ लौटाए जाओगे हर शख्स तो उसके अमार को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा उन पर जुम्म नहीं किया जाएगा या जा यूलिन आउन तीन मदैन इलाज मुसम ऐमान वाले जब तुम आपस में एक दूसरे से म्यादार मुकब कर्ज़ का मामला किया तो इसे लिख लिया करो यानी कि हम यहाँ पर क्या बात हो रही है सबसे पहले कर्ज की बात हो रही है कर्ज़ लेते वक्त लेन देन के वक्त क्या करना है कि उसे लिखना है उसे लिखना है फिर दूसरा है और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे तो आपस का मामला अदल से लिखे यानी उसको जो लिखने वाला है उसको भी अदल के साथ मामला करना है दोनों तरफ की बात लिखनी है कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे जैसे अल्लाह तौल ने इसे सिखाया है यानी अगर उसी के पास ये सिलाई है कि वो लिखने, लिखना लिखना जानता है तो अगर उसको लिखने के लिए बुलाया जाए तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए और लिख देना चाहिए और जिसके उसे क्या लिखना चाहिए जो हक़ जिसके जिम्मे हो वो लिख दे अपने अल्लाह से डरे इसका रब है जो जो जिसका रब है वो हक़ में से जो कुछ घटाए हाँ जिस शख्स के जिम्मे है अगर नादान हो या कमज़ोर लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो इसे अदल के साथ लिखवा दें यानी क्या है अगर क्या नादान है यानी बेवकूफ़ है कुछ नहीं समझ नहीं है या कमज़ोर है किसत तो क्या उसका वली ये सब कुछ लिखवाएगा अपने में से दो मर्दों को गवाह रखो अगर दो मर्द ना हो तो एक औरत और तो दो मर्द एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम गवाहों में पसंद कर लो यानी क्या है जब कर्ज का दिन हो तो एक मर्द और दो औरतें गवाहों ताकि एक तो भूल चुके तो उसे याद करा दे और गवाहों को चाहिए कि जब बुलाए जाए तो इनकार ना करें और को जिस मदद हवा छोटा हो या बड़ा लिखने में काफ़ी ना हो करो अल्लाह तहने से कि ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी तंदुरुस्त रखने वाली और शको शुभ से ज़्यादा बचाने वाली है हाँ ये और बात है कि वो मामला नगर तजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो तुम फिर इसके ना लिखने में कोई गुना नहीं खरीदो फरोख्त के बाद गवाह होकर कर लिया करो और याद रखो ना लिखने तो लिखने वाले को नुकसान पहुँचा हर हाँ ना गवाह को अगर तुम ये तुम ये करो तो तुम्हारी खुली ना फरमानी है अल्लाह ताला से डरो ताला तुम्हें तालीम दे रहा है अल्लाह ताला हर चीज़ को ख़ूब जानने वाला है अगर तुम सफ़र में हो लिखने वाला ना पाओ तो रहन यानी गिरवी रख लो कब्जे में रख लिया करो हाँ अगर आपस में एक दूसरे से मुतमेन हो तो ऐसे मानत दी गई है तो उसे कर दे औरल्ल तौर से डरते रहो जो जो रब है और तुम्हारा रब भी और गवाही को छुपाओ नहीं जो इसे छुपा लो वो गुनादगार है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह खूब जानता है

यहाँ पे क्या बताया जाए कि जब ये आयत नाजरी है तो सहाबा कराम परेशान हो गए क्या जो हमारे दिलों में है उसका भी हिसाब होगा तो साल दरबार सालिफ में हाजिर किए हुए किया गया आरसल्ला नमाज़ रोज़ का हज वग़ैरह ये सब सारे अमार हैं जिनका हमें हुकम दिया गया हम हम बजा लाते हैं क्योंकि हमारी ताकत से बाला नहीं है लेकिन दिल में पैदा होने वाले ख्याल पर तो हमारा इख्तियार ही हैं तो लेकिन अल्लाह ते मुसबे का एलान फरमा दिया है नबी स फरमाया फ़िलहाल तुम समाताना कहो चिनाचन साहबा की जज्बा समावत ताकत को देखा अल्लाला ने फिर ताला ने अगली ही आयत में कहा ला नफसन इल्ला नाजिल कर दी किसी जान पे उसके उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालताबी वी व रसूल ही यहाँ पे ये जो आयात है आखिरी दो बकरा के इसके बारे में आ, काफ़ी अदीस आती है जिसमें से एक अदीस है ये है कि जो उसको पढ़ता है जो शख्स शख्सूरत बकरा की आखिरी दो आयात रात को पढ़ता है इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं और दूसरी हदीस के नबी ससम ने फरमाया कि मैं आज के मौके पे मुझे तीन चीज़ें ताकि गें इसमें से एक सुरत बकरा की आखिरी दो आयात थी ये सूरत की आखिरी दो आयात नबी ससम को एक ख़ास ख़जाने से गई थी जो अर शराई के नीचे है ये आयात आपके अलावा किसी और नबी को नहीं दी गई हैं माद, माद लाएं सूरत के खात्मे भी आमीन कहा करते थे ये जो आखिर पर हम पहुँच गए सूरत बकरा के खात्मे पर पहुँच गए उनकी आखिर दो आयात पर तो ये हर रात को पढ़ी जाती हैं और पढ़ने चाहिए और इसमें बात क्या हो रही है ईमानियात की बात हो रही है आम रसूल मोमिन रसूल ईमान लाया उस चीज़ पर जो उसकी तरफ अल्लाह तारी और मोमिन भी ईमान ले आई ये सब अल्लाह ताली के वो इसके फरिश्तों पर इसकी किताबों पर इसके रसूलों पे ईमान लिया है इसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते उन्होंने कह दिया कि हमने सुना अवतात की हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ए हमारे रब हमें तेरी तरफ लौटना है अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता उन्होंने की करे तो उसके लिए है और जो बुराई करे तो इस पर है ए हमारे रब अगर हम भूल गए हों या खता की हों तो हम पे हमें पकड़ना नहीं ए हमारे रब हम पे वो वो ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला गया

वाफ माफ़ कर दें दरगुजर कर दें वक्फीना बख्श दें और हमना और कर दें अंतवाऊल आना और मदद कर दें किसी के मुकाबले में को, काफिल कौन के मुकाबले में आमिन जी यहाँ पर हमारी सूत्र तो तो बकरार अलहमदिल्ला कम्प्लीट होती है इसको हमने चार हिस्सों में अलहदुल्ला समझा आपके इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप सलाम एट द रेट क्रॉनिक डॉट कॉम पर भेज कॉर्स डॉट कॉम पर भेज सकते हैं तो इस हवाले से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इस आप मेल कर सकते हैं हम दुआ कर लेते हैं वह आखिर तमामाद् रबालम सुबह काबिल्लमतबल रही अलक वरम वरक